हमारे साथ हैं करण दवे जी, जो इसके निवेदक थे, काफी मेहनत की है लोगों को यहाँ तक लाने के लिए और देश का एक अलग प्रकार से इतिहास दिखाने के लिए। तो करण दवे जी से जानेंगे इस मूवी के बारे में कि कैसा लगा इनको ये मूवी, और इस मूवी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, तो करण दवे जी, मेरा पहला सवाल, इस मूवी को देखने से पहले और इस मूवी को देखने के बाद आपका विचार किस प्रकार का है, आप बताएं। एक ही प्रकार का सावरकर जी का इतिहास जो हमने पढ़ा था किताबों के थ्रू, जो इतिहास हमने दिखाया था वो तो बहुत अलग था। और फिर भी इनफॉर्मल वे से कहीं ना कहीं सावरकर जी की जो चर्चाएं होती थी उसमें उनके शूरवीरता के किस्से हमेशा से हमने जाने थे। और कहीं ना कहीं उनके नाम के आगे जो वीर लगा था वो क्यों लगा गया था वो हमें शुरू से ज्ञात था। पर अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बनाया गया था, थॉट्स वगैरह की थी, बहुत अच्छी बात है। पर आप सावरकर जी जैसे देश के जो क्रांतिकार है अब उनको कभी कम मायने नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं मूवी देखने के बाद युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका आ जाएगा सावरकर जी के बारे में असलियत जानने का, समझने का कि क्रांतिकारी कहाँ कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ उनका आज अंत हुआ है। पर फिर भी उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ करके कहीं ना कहीं अपने सबसे पहले इस देश को रखा, और बस उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वो क्या लगता है ये मूवी स्कूल कॉलेज स्तर पर जब सिनेमा हॉल से हटेगी तो उनको दिखाना चाहिए ताकि जो लोग जागरूक होंगे, इस बारे में क्या कहना है आपका? एब्सोल्युटली, why do just the government schools and colleges in the first place? अगर मेरे को अगर कोई पूछेगा, ये तो टैक्स फ्री भी होना चाहिए था, क्योंकि आप जब इस मूवी को टैक्स फ्री करेंगे टिकट कॉस्ट कम होगा, टिकट कॉस्ट कम होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्राउड को पुल कर पाएंगे। जितना मैंने सोचा था कि मूवी इतना अच्छा वेल परफॉर्म करेगा उतना शायद नहीं किया, पर एक बात जरूर है, इट जस्ट हिट द राइट कॉर्ड। और इसी कारण से आप जो सही सर्कल्स के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि वीर सावरकर के कंधों से जो इतने सालों तक आपने जिस आइडियोलॉजी को आपने निशाना बनाया है वो गाल जा चुके हैं। तो क्या लगता है इस मूवी को देखकर युवा में कैसा बदलाव आएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी पूछा था तब आपने मूवी नहीं देखी थी, अब आपने मूवी देखी, अब आपका क्या नजरिया आप बताएं? आज का युवा काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैं तो बता नहीं पाऊंगा कि क्या बदलाव आएगा क्या नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी अब युवाओं के ऊपर है कि वो क्या बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपको कौन सी मूवी की सबसे अच्छी पार्ट लगी जो आपके हर्ट टचिंग कर गई और आपको आजीवन याद रहेगी? हर चीज जो पूरी मूवी ने मेरे को सिखाया वो है देश सर्वप्रथम, देश के ऊपर कोई भी चीज नहीं होती है। और अगर एक क्रांतिकारी जो इतनी अच्छी सोच हमारे देश की आजादी के पहले रखी थी वो सोच आज क्यों होते भाई साहब? देश सर्वप्रथम होता है, हर चीज से बढ़कर, हर रीजन से, लैंग्वेज से, कास्ट से, क्रीड से, रेस से, रिलीजन से, तो कहीं ना कहीं वो चीज समझना तो हमें पड़ेगा ही। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने हिंदू का जो व्यक्त किया था वो बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं जो सनातनी शिक्षा जो हमें मिली थी वो यही थी कि मातृभूमि का सबसे पहले आपको सत्कार करना है, और यही हमने वो मूवी से भी सीखा। तो आपका क्या कहना है, हिंदी तो जो जैसे पोर्ट्रे हो रहा है अभी हमारे इंडिया में, ऐसा लगता है हिंदू यानी जो लोग हिंदू है मुस्लिम लोग हिंदू नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है कि ये हिंदुत्व का जो छवि गलत प्रोपेगेंडा के थ्रू फैलाया जा रहा है उसको सुधार करवाने में अगर मूवी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखे तो कुछ बदलाव आ सकता है? सही फैला है या गलत फैला है इतिहास को कोई नकार नहीं सकता है, सही हो या गलत हो, प्रेजेंट में चल रहा है, असलियत को कोई झुठला नहीं सकता है। ये कौन तबके के लोग हैं जो आज की तारीख में देश में योगदान दे रहे हैं और वो कौन तबके के लोग हैं जो देश को सिर्फ खा रहे हैं, ये सबको क्या है? तो इसके लिए तो मतलब यहाँ मेरी परिभाषा क्या है, क्या सावरकर जी की परिभाषा क्या थी, की परिभाषा क्या है, वो अलग हो जाता है। तो जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट जो आज के तारीख में भी निकला है कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है, क्योंकि इस हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं जिनोसाइड नहीं है, ये हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करी जाती है, उसका फ्रीडम जबरदस्ती नहीं खिला जा सकता है। अगर इस हिंदुत्व में देश सर्वप्रथम बोला जाता है तो भैया हम इसको जरूर सपोर्ट करें। फिर आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इस मूवी के बाद रणदीप हुड्डा को नेशनल अवार्ड मिल जाना चाहिए जैसा उनकी एक्टिंग रही है इस मूवी में? छोटे मोटे लोग है हम क्या ही मतलब इसे योगदान दे पाएंगे, पर फिर भी अगर किसी का मन करा और सच में कोई ऐसे मूवमेंट वगैरह लगाता है कि भाई नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए इन्हें, तो डेफिनेटली वी आर इन फॉर इट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। काफी बेहतर तरीके से हमारे देश के इतिहास को इस फिल्म में पिरोया गया है, और मैं चाहूंगा कि हर एक देशवासी को इस मूवी को देखना चाहिए और देखने के बाद खुद से कुछ किताबें इतिहास की पन्नों को पलटना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मूवी को देख के मान नहीं लेना चाहिए, आप खुद से रिसर्च करें, जानें और फिर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।